यहाँ पे मेला भी लगा हुआ, मेले में ये देखिए कतला में ऑरेंज रोटी इसको बोलते हैं बच्चों के। किसी टाइम हम लोग भी यहाँ पे जब बच्चे थे तो वहाँ पे बैठ के पीते हैं और चस्का करवाते हैं आपको भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। तो आज का ब्लॉग बड़ा ही स्पेशल बनने वाला है। मैं जाने लगा हूँ अपने गांव से डायमंड, मैंने आज ऑफ किया था, छुट्टी थी मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी रूटीन शेयर कर ली जाए। तो अभी मेरी एक बाइक ख़राब है, बाइक को थोड़ा सा सेटअप करवाना है, मतलब थोड़ा बहुत टिप टॉप करवाना है। इससे पहले एक हफ्ता पहले मैंने बाइक सही करवाई थी, उसने कहा था कि इसको तकरीबन कुछ 4-5 दिन चलाएं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो पेंडिंग मसले मसाले रह गए हैं वो उसको इंशाल्लाह कवर कर देंगे। तो एक तो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक को सही करवाना है। ये मेरी बाइक है, काफ़ी तकरीबन कोई 1 साल हो गया था खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको सही करवा लिया जाए। ये छोटे की बाइक है और ये मेरी बाइक है। तो आपको पता है आजकल बाइक्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जब यूट्यूब पे कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह बाइक्स भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल इसी पे गुजारा करते हैं और चलते हैं मोटर मैकेनिक के पास और मोटर मैकेनिक से जाके सही करवाते हैं। और रायगंज जाना है, रायगंज जाके मज़ीद आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करनी है। रास्ते में जो चीज़ें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चले फिर मोटर मैकेनिक के पास पहले चलते हैं। बाइक सही करवाने से पहले पेट्रोल होना लाजमी है, तो इसलिए मैंने तकरीबन को 200 का पेट्रोल डलवा लिया है। ले लीजिए 200 रुपये कार्ड पैसे हमने भाई ने दे दिए हमें। मोटर मैकेनिक की दुकान पे हम लोग पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? इसहाक भाई किधर है? काम गया भाई? हाँ जी, साहब भाई ज़रा काम गया हुए, तो हम लोग बाइक का काम करवा रहे हैं, तो बाइक का काम वहीं से करवाएंगे। तो अभी चलते हैं रायगंज की तरफ और अपना खच्चर करवा लें, ज़रा इसकी भी ट्यूनिंग करवानी है, चेहरे की भी। वो ट्यूनिंग करवाने के बाद अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाएंगे। तो तकरीबन आधे घंटे तक आ जाएंगे वो? चले जी, भाई कह रहे हैं आधे घंटे तक वो आ जाएंगे। तो रायगंज की तरफ चलते जी। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ, मेले में ये देखिए कतला में ऑरेंज रोटी इसको बोलते हैं, बेहतरीन। ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मोहल्लेदार भी हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं और इनसे हमने कंफर्म किया और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 दिन बाद लगेगा, हफ्ता जुमेरात, जुमा जुमा हफ्ता और संडे तक मुझे नहीं कम्प्लीट होगा मतलब सारा। और ये जलेबियाँ यहाँ पर निकल रही हैं जो एक मेले माहौल होता है, ये इनकी कढ़ाई है और ये जो पकौड़े निकल रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। और थोड़ा सा आगे व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं मज़ीद। मेले में इस तरह के झूले लगे हुए होते हैं, ये देखें बच्चों के। किसी टाइम हम लोग भी यहाँ पे जब बच्चे थे तो इन झूलों के ऊपर झूला झूला करते थे। ये जंपिंग का कुछ इस तरह का है निज़ाम और ये ट्रालियों के ऊपर आ रहा है सारा सेटअप। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे माहौल पूरा। इंशाल्लाह 15 तारीख को फाइनल ये पूरा फुल मेला होगा, तो इंशाल्लाह इंजॉय करवाएंगे आपको। तो फिलहाल चलते हैं रायगंज की तरफ और रायगंज जाके अपना पहले ट्यूनिंग करवाएं चेहरे की, गर्मी काफ़ी है, तो चलते हैं रायगंज। रास्ते में गुजरते हुए हमें ना मतलब ये पॉइंट नज़र आया, प्यास काफ़ी लगी हुई थी। गन्ने का जूस पीने का अपना ही मज़ा, अपना ही टेस्ट है, जो जो गर्मी सर्दी है वो मतलब कवर हो जाती है। बर्फ वर्फ डाल दी और ये देखेंगे, वाह क्या शादी, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ पे बैठ के पीते हैं और चस्का करवाते हैं आपको भी और ख़ुद भी करते हैं। तो आज क्या बात है, यहाँ पे लोकेशन इस तरह बिल्कुल ठीक आएगी, यहाँ पे बैठते हैं और हम पीने लगे हैं बेहतरीन सा गन्ने का जूस। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आउट क्लास जी, जूस हमने पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सलोन का कुछ इस तरह का व्यू है और ये सामने एक उन्होंने एसी लगाया हुआ जो कि अभी फिलहाल बंद है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। वैसे भी नज़ला जुकाम काफ़ी हो रहा है हमें, तो एसी बंद ही होना चाहिए। तो ये सारा सेटअप है इनका और ये हमारे दानिश भाई हैं। अभी इनका भाई का ख़त होने के बाद फिर हमारा ख़त करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं घर को। जी दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमारा ख़त बड़ा बेहतरीन किस्म का दिया और स्पेशली थैंक्स आपका जी। ठीक है, अभी इजाज़त है जी? जी बहुत शुक्रिया। चलेंगे अब, चलते हैं सबसे पहले मंडी चलते हैं, वहाँ जाके हमने अंगूर फल फ्रूट लेना है। अंगूर लेने के रास्ते में हम लोग गए थे, वहाँ पे हमें मिले नहीं है, तो
अब मंडी की तरफ जाते हैं, वहाँ से फलपुर लेके फिर टेम्पो लेके फिर और अपनी बाइक को सही करवाना है। ट्रैक साहब शेर सुनाए आपने लास्ट में, हमें शेर नहीं सुनाया, शेर सुनाए। मेरे इश्क के दरवाजे माशूक ना हो, नहीं आज तक गलत निगाह की थी, नहीं फर्क की तार तेरी पूजा बिच, नहीं खतरियाँ दी परवाह की थी, हर तेरी मुलाकात मैं इंज की थी, जिमें मूसा नाल खुदा की थी, कि तेन रब ना आख सकता बकाया हर रस्म अदा की थी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सब्जी मंडी में आ गया हूँ, यहाँ पे अंगूर इनके पास बड़े फर्स्ट क्लास पड़े हुए थे ये। हाँ जी, कितने दिए जी? 2 किलो आपने? मैंने ये तकरीबन ये कोई आधा किलो करवाए हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी अंगूरों की, सुंदर खानी, और ये इनके फल फ्रूट हैं। और अब चलते हैं जब अपने घर को मार्केट का काम, बाइक का करवाना है, बाइक का काम करवाने के बाद चलते हैं वहाँ पे और अपने बाइक का काम करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो बाइक सही करवाने के लिए हम आ गए हैं, हमें टाइम नहीं मिला था पहले, तो अभी उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद आएंगे, खाना शाना खा रहे थे साथ में ड्राइवर्स में आए हैं और खाना वाना उन्होंने खा लिया, 1 घंटे का टाइम नहीं था, 1 घंटे के बाद दोबारा आए और वो हमारी बाइक ठीक कर रहे हैं। बाइक ठीक होती है तो आप फिर सारा रिव्यू करवाने के बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिलहाल आप बाइक का देखें बाइक का क्या होता है। इंजन को फिट करती है इसहाक भाई ने और इसको स्क्रू के साथ बंद करने लगे हैं, सारा इंजन बंद करने के बाद फिर चलते हैं घर को, उम्मीद है बाइक में तकरीबन ठीक हो गई होगी जी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।